स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज. ठीक है, एक्सरसाइज में सबसे पहले हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ. ठीक है, तो एक्सरसाइज का पहला एमसीक्यूज है कि इन सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइस. एंड नंबर वन इज कि नंबर ऑफ बेस यूनिट इन SIR. ठीक है, तो हमारे पास इसके फोर ऑप्शंस हैं. नंबर वन 3, 6, 7 and 9. ठीक है, तो हमने इसमें से चूज करना है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है. तो हमारे पास बेस यूनिट, हमने अपने टॉपिक में डिस्कस किया था कि बेसिक जो हमारे पास बेस यूनिट हैं वो सिर्फ 7 है. ठीक है, उनकी बेस पे आगे फर्दर जितने भी डिराइव हुए हैं वो उन्हीं 7 बेस यूनिट की जो है बेस पे हुए हैं. उसके अलावा हमारे पास बेस यूनिट कोई नहीं है. द नंबर 2 इज Which one of the following unit is not a derived unit? ठीक है, कौन सा एक इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा यूनिट है जो कि डिराइव यूनिट नहीं है? पास्कल, किलोग्राम, न्यूटन एंड वॉट. तो नंबर बी इज द राइट ऑप्शन. किलोग्राम जो है दैट इज द बेस यूनिट, और ये इसकी बेस पे हम फर्दर जो है डिराइव यूनिट्स को डिराइव करते हैं. द नंबर 3 इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर इज मेजर्ड इन. ठीक है, किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम किस यूनिट के थ्रू मेजर कर सकते हैं? नंबर 1 इज ग्राम, नंबर 2 इज किलोग्राम, नंबर 3 इज न्यूटन एंड नंबर 4 इज मोल. सो राइट ऑप्शन इज योर डी ऑप्शन, दैट इज मोल. ठीक है, और अगर आप ये जो है देखना चाहें तो आपका है पेज नंबर, जहाँ पे आपको सारा बेस और डिराइव्ड यूनिट्स का डिस्क्राइब किया गया है, पेज नंबर 6 पे ऐसा यूनिट्स के अंडर इसका पूरा टेबल है जिसमें इसको डिस्क्राइब किया गया है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में कंसीडर करते हैं. नंबर 4 इज एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकेंड इज इक्वल टू. नंबर 1 ऑप्शन इज 0.2 सेकेंड, नंबर 2 इज 0.02 सेकेंड, नंबर 3 इज 2×10⁻⁴ एंड नंबर डी इज 2×10⁻⁶. योर राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज 2×10⁻⁴ सेकेंड्स. अब अगर इसकी स्टेटमेंट को कंसीडर करें तो हमारे पास था 200 माइक्रोसेकेंड, इट मीन्स 200×10⁻⁶ सेकेंड्स. अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन ऐसी नहीं थी जो 200 की फॉर्म में हो, हमारे पास सब ऑप्शंस 2 की फॉर्म में थी या 0.02 की फॉर्म में थी. अब यहाँ पे डेफिनेट है, अगर पॉइंट नहीं भी मेंशन किया गया तो यहाँ पॉइंट है. इस पॉइंट को हमें 2 तक मूव करवाना है, इट मीन्स 2.00, ठीक है, × 10⁻² हो जाएगा, क्योंकि ये हम लेफ्ट साइड पे मूव करवा रहे हैं. जब लेफ्ट साइड पे मूव करवाते हैं पावर पॉजिटिव में आ जाती है एंड देन आ जाएगा 10⁻⁶. अब ये पावर्स क्योंकि बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, तो यहाँ किस तरह से पावर ऐड होगी? −6 + 2, क्योंकि 6 के साथ माइनस का साइन है, माइक्रो है. यहाँ पे वो हमें आंसर देगा 2×10⁻⁴ सेकेंड. सो सी ऑप्शन, दैट इज 2×10⁻⁴ सेकेंड इज योर करेक्ट ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट वन इज नंबर 5. यहाँ पे इसका भी इसी तरह लिख देते हैं. सी का 7 जो है वो राइट ऑप्शन है. नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी. कि वो कौन सी क्वांटिटी है जो इन फोर ऑप्शंस में से सबसे छोटी है. सो 0.01 ग्राम, देन 2 मिलीग्राम, नंबर 3 ऑप्शन इज 100 माइक्रोग्राम एंड नंबर 4 ऑप्शन इज 5000 नैनोग्राम्स. तो अगर आप देखें डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 5000 नैनोग्राम्स, क्योंकि पहली ऑप्शन हमें ग्राम्स में दी हुई है, ग्राम्स जो है वो एक छोटा यूनिट नहीं है. देन हमारे पास है मिलीग्राम, दैट इज इक्वल टू 10⁻³. देन नेक्स्ट ऑप्शन है माइक्रोग्राम, 10⁻⁶ एंड नैनोग्राम्स में यहाँ पे ग्राम्स भी आएगा, 10⁻⁹ ग्राम्स.
तो नेगेटिव में जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो सबसे छोटी वैल्यू कंसीडर की जाती है। तो डी ऑप्शन में नैनो प्रेजेंट था, जिसका मतलब है -9 टाइम्स वो वैल्यू छोटी है, इसलिए 5000 नैनोग्राम डी इज योर राइट ऑप्शन। द नेक्स्ट वन इज नंबर 6। नंबर 6 इज विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट सुटेबल टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब। एक हमारे पास टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, बायो में यूज होती हैं, मोस्टली बारीक सी होती हैं, और उनका इंटरनल डायमीटर जो है हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, नंबर 1 मीटर रूल, नंबर 2 इज द वर्नियर कैलिपर, नंबर 3 इज मेजरिंग टेप, नंबर 4 इज द स्क्रू गेज, एंड योर राइट ऑप्शन इज बी वर्नियर कैलिपर। क्योंकि अगर आप इसके टॉपिक को देखें तो उसमें हमें पहले ही बता दिया गया था कि हमारे पास 2 जॉज हैं इसके, ठीक है, एक अपर जॉ एंड द सेकेंड वन इज योर लोअर जॉ, ठीक है, या आउटर जॉ। आउटर जॉ जो है वो एक्सटर्नल डायामीटर कैलकुलेट करते हैं, जबकि अगर हमें इंटरनल डायामीटर ऑफ टेस्ट ट्यूब फाइंड आउट करना है उसके लिए हम वर्नियर कैलिपर का इनर जॉ यूज करेंगे, ठीक है। तो डायामीटर इनर जो है कैलकुलेट करने के लिए वर्नियर कैलिपर यूज होते हैं। द नेक्स्ट वन इज योर नंबर 7 एंड नंबर 7 इज A student claimed the diameter of a wire as 1.032 centimeter using vernier caliper. Up to what extent do you agree with it? ठीक है, अब एक student claim कर रहा है कि उसने diameter wire का calculate किया है, that is 1.032 centimeters. उन्होंने पूछा है कि आप कितने extent तक उससे agree करोगे कि ये वैल्यूज बिल्कुल एक्यूरेट हैं और हमें ये वैल्यूज कहाँ तक जो है मेजर कर लेनी चाहिए, कंसीडर करनी चाहिए। जिस तरह अभी हमने टॉपिक डिस्कस किया था सिग्निफिकेंट फिगर्स का, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर है। और इसके ऑप्शन हैं, नंबर 1 इज 1 सेंटीमीटर, नंबर 2 इज 1.0 सेंटीमीटर, नंबर 3 इज 1.03 सेंटीमीटर, एंड नंबर 4 इज 1.032 सेंटीमीटर्स। इट्स राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज 1.03 सेंटीमीटर्स। अब इसको अगर कंसीडर करें, हम जो स्टूडेंट ने क्लेम किया था दैट वॉज अबाउट 1.032, एक हमारे पास एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, उसके पॉइंट के जो फॉरन डेसिमल के बाद जीरो आता है वो सिग्निफिकेंट कंसीडर किया जाता है, ठीक है, एंड ये हमारे पास है 3 डाउटफुल डिजिट, तो वो एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड 1 डाउटफुल डिजिट इज द सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमने 1.03 को कंसीडर किया है कि हम इस हद तक एग्री कर सकते हैं इस वैल्यू से, ठीक है। तो नंबर 8 है आपका, मेजरिंग सिलेंडर इज यूज टू मेजर। मेजरिंग सिलेंडर जो है वो किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, जिस तरह मीटर रॉड जो है वो लेंथ को मेजर करता है, स्टॉप वॉच टाइम को करती है, इसी तरह मेजरिंग सिलेंडर किस चीज़ को कैलकुलेट करता है। तो ऑप्शंस हैं आपके, नंबर 1 इज मास, नंबर 2 इज एरिया, नंबर 3 इज वॉल्यूम, एंड नंबर 4 इज लेवल ऑफ लिक्विड। सो योर बेस्ट ऑप्शन ऑफ योर 8th MCQs इज नंबर C, दैट इज वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम से हम जो है मेजरिंग सिलेंडर्स जो है हम वॉल्यूम को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, किसी भी चीज का वॉल्यूम लिक्विड का भी हो सकता है या इररेगुलर बॉडीज का भी वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ स्टूडेंट नोटेड द थिकनेस ऑफ अ ग्लास शीट यूजिंग अ स्क्रू गेज, ऑन द मेन स्केल इट रीड 3 divisions while 8 division on the circular scale coincide with the index line. Its thickness is 3.8 centimeter, 3.08 millimeter, 3.8 millimeter and 3.08 millimeter. तो पहले हम समझते हैं कि उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने कहा है एक स्टूडेंट जो है थिकनेस ऑफ ग्लास शीट को मेजर कर रहा है बाय यूजिंग द स्क्रू गेज, ठीक है। और उसके क्या होते हैं, 2 स्केल्स होते हैं, एक मेन स्केल होता है एंड एक सर्कुलर स्केल होता है।
मेन स्केल की रीडिंग है 3 एंड सर्कुलर स्केल की रीडिंग है 8। तो हमारे पास 9th वाला है, स्क्रू गेज है, ठीक है। स्क्रू गेज के मेन स्केल की रीडिंग आ रही है 0, 1, 2, 3, ठीक है। ये 3 है, यहाँ पे हमारा सर्कुलर स्केल है। सर्कुलर स्केल की 8th वाली जो रीडिंग है, यहाँ पे 8, 7, 6, देन 9, 10, ये हमारे पास 8th वाली बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है 0 के साथ। और हमने कैलकुलेट क्या करना है, उसकी थिकनेस को कैलकुलेट करना है, जो कि हम किस तरह करेंगे। मेन स्केल रीडिंग दैट इज 3, ठीक है। सर्कुलर स्केल रीडिंग है हमारे पास 8th लाइन, ठीक है, मतलब हमारे पास है 8। अब उसको स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट से पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई करने के लिए 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है, या 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मोस्टली जो अपनी रीडिंग लेते हैं वो होती है सेंटीमीटर्स की फॉर्म में। तो इस रीडिंग को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, मल्टीप्लाई बाय 8 एंड देन 3 को ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 3.08 एंड इट इज योर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3.08 मिलीमीटर्स। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, 9th इज 3.08 मिलीमीटर्स, बी ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट वन इज सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एन एक्सप्रेशन आर ऑल द डिजिट्स, ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स, ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, ऑल द एक्यूरेटली नॉन एंड ऑल डाउटफुल डिजिट्स। तो हमने अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो है उसकी डेफिनेशन में ये पढ़ा है कि जितने भी एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स होते हैं और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे से डेफिनेशन ही पूछी गई थी एंड योर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एक्यूरेटली, ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स, एक्यूरेटली नॉन प्लस फर्स्ट डाउटफुल, तो वो हमारे पास होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। देन नंबर 12 इज, सो MCQs आपके यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया कि उनके रीजंस क्या क्या हैं और उनके बेस्ट ऑप्शंस क्या क्या हैं। सो वी आर मूविंग टूवर्ड आवर क्वेश्चन आंसर्स एंड इट इज 1.2। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड देन गिव 3 examples in each case, ठीक है। तो हमें पहले पूछा गया है कि बेसिक डिफरेंस क्या है बेस क्वांटिटीज का और डिराइव्ड क्वांटिटीज का, एंड देन हमें उसके examples जो हैं वो बतानी है। तो बेस क्वांटिटीज वो होती हैं जो कि डिफाइन होती हैं, और वो डिफाइन खुद से ही होती हैं, ठीक है, डिफाइन बाय themselves, जिनको किसी भी और क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो वो हुई होती हैं डिराइव बाय देमसेल्फ या डिफाइन बाय देमसेल्फ। और डिराइव क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, दैट इज डिराइव फ्रॉम बेस क्वांटिटीज। सो बेसिक डिफरेंस ये है इनमें कि बेस क्वांटिटीज जो हैं वो डिफाइन हुई होती हैं बाय देमसेल्फ एंड डिराइव क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर डिराइव फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज। अब हम जो है बेस क्वांटिटीज के एग्जाम्पल्स देखते हैं। बेस क्वांटिटीज वो 7 ही हैं और उन 7 में से आपने 3 चूज करनी है, लाइक लेंथ, मास एंड टाइम, ठीक है। आप फर्दर कोई और भी लिख सकते हैं, लाइक टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप डिराइव क्वांटिटीज देखें तो आपके डिराइव क्वांटिटीज वो हैं जो कि डिराइव हुई हुई हैं फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज, एंड यू कैन से इट इज़ अ फोर्स, ठीक है। फोर्स जो है वो टोटली डिराइव हुई हुई है फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज। नंबर 2 स्पीड,
एंड नंबर थ्री इज चार्ज आप कह सकते हैं, या अगर आप एक्सीलरेशन लेना चाहें या कोई भी क्वांटिटी, क्योंकि बाकी सिर्फ सेवन बेस क्वांटिटीज़ के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो डिराइव हुई हुई हैं, तो आप किसी भी क्वांटिटी को डिराइव्ड यूनिट में, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में मेंशन कर सकते हैं. दिस वाज द थ्री एग्जांपल्स एंड इट वाज योर 1.2 क्वेश्चन नंबर. नाउ आई एम गोइंग टू मूव टूवर्ड द 1.3. सो इट इज़ अबाउट दैट पिक आउट द बेस यूनिट इन द फॉलोइंग. ठीक है, अब आपने बताना है कि बेस यूनिट्स कौन से हैं जो उन्होंने नीचे मेंशन किए हुए हैं. तो 1.3 में हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं. 1.3 में फर्स्ट वन इज जाउल, देन न्यूटन, द नंबर थ्री इज किलोग्राम, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, एंड देन हर्ट्ज. नंबर फाइव इज मोल, एम्पेयर, एंड मीटर केल्विन, मीटर केल्विन, एंड द अदर टू इज कूलम एंड वॉट. सो आपने बताना क्या है कि बेस क्वांटिटीज कौन सी हैं. तो जाउल जो है वो एक डिराइव क्वांटिटी है, इसी तरह जो न्यूटन है, क्योंकि जाउल वर्क टन का यूनिट है और वर्क जो है वो डिराइव हुआ है फ्रॉम द बेस क्वांटिटी, इट इज़ अ डिराइव क्वांटिटी. न्यूटन फोर्स का यूनिट है, इट इज़ ऑल्सो अ डिराइव क्वांटिटी. सो किलोग्राम इज योर बेस क्वांटिटी. ठीक है, तो फर्स्ट जो है किलोग्राम बेस क्वांटिटी है, नंबर टू इज योर मोल. ठीक है, जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, ये यूनिट्स हैं. ठीक है, तो ये बेस यूनिट है एंड मोल इज योर बेस यूनिट. एम्पेयर करंट का जो है यूनिट है, दैट इज ऑल्सो अ बेस यूनिट. मीटर इज योर ऑल्सो बेस यूनिट एंड इट इज द यूनिट ऑफ योर लेंथ. ठीक है, देन केल्विन टेम्परेचर है, टेम्परेचर को केल्विन में हम मेजर करते हैं, इट इज़ ऑल्सो अ बेस क्वांटिटी. सो हमें जो गिवन थी क्वांटिटीज, उसमें से किलोग्राम, मोल, एम्पेयर, मीटर एंड केल्विन आर द बेस यूनिट्स. नाउ द नंबर फोर इज 1.4 एंड इसमें भी आपको लाइक बेस क्वांटिटीज को ही बताना है कि हम बेस क्वांटिटी से कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू रीड इट. फाइंड द बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिराइव क्वांटिटीज. ठीक है, नीचे आपको गिवन है डिराइव क्वांटिटीज, दैट इज स्पीड, वॉल्यूम, फोर्स एंड वर्क, और आपने इनको डिस्क्राइब करना है कि आपने कैसे इनको बेस यूनिट से डिराइव किए. सो नंबर वन इज योर स्पीड. ठीक है, स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम. ठीक है, डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड इन मीटर एंड टाइम इन सेकेंड, सो इट इज मीटर पर सेकेंड. द नंबर टू इज योर वॉल्यूम. वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब. ठीक है, मीटर का क्यूब लिया जाता है एंड इट इज एम क्यूब एंड ये भी बेस यूनिट है. इसी तरह हमारे पास नंबर सी है फोर्स. फोर्स हमारे पास होती है एम, मतलब मास एंड एक्सीलरेशन. मास को मीटर में कंसीडर करते हैं, दैट इज किलो, सॉरी, मास को किलोग्राम में कंसीडर करते हैं एंड एक्सीलरेशन जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर होता है. सो किलोग्राम, मीटर एंड सेकेंड, दीज आर ऑल द बेस यूनिट्स. नंबर फोर इज योर वर्क. ठीक है, वर्क होता है एफ डॉट डी, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स में आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस इज मेजर इन मीटर्स. ठीक है, तो ये आपके पास आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड स्क्वेयर. तो ये आपका था 1.4 का आंसर. नाउ वी आर गोइंग टू एस्टिमेट आवर एज इन द सेकेंड्स. ठीक है, दैट इज नंबर 1.5 क्वेश्चन, कि आपने अपनी एज जो है उसको कैलकुलेट करना है इन सेकेंड्स. तो सबसे बेस्ट वे क्या होता है, सेकेंड्स में जब आपने किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करना होता है तो आपको देखना पड़ता है कि आप एज ले रहे हैं, तो एज क्या होती है, हर साल बाद बढ़ जाती है. ठीक है, एक साल में जितने दिन होते हैं
उसको पहले कंसीडर करेंगे। अगर आपकी एज है 9th क्लास की अप्रोक्सीमेटली 14-15 तक होती है, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज, ठीक है। अब 365 डेज में अगर पर डे देखा जाए, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, मतलब अब हमारे पास आ चुके हैं एक साल में इतने दिन हैं, तो हमने उनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन 24 आवर्स में पर आवर जो है हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। देन हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, और हर एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। देन मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो हमारे पास जो है हमारी कैलकुलेटेड एज आ जाएगी सेकंड्स में, जो आप जितने साल के हो चुके हैं। देन उसको मल्टीप्लाई करना है पूरे साल के दिन के साथ 365, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स। जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे देन आपको पता चल जाएगा कि एक साल में, वन ईयर में कितने आवर्स होते हैं, ठीक है। उसी तरह से कि अब एक घंटे में 60 मिनट्स हैं और एक मिनट में 60 सेकंड्स हैं, तो एक्चुअली हमारे पास ये पूरी चीज़ हमें हमारी एज बताएगी सेकंड्स में। और ये था 1.5। नाउ 1.6 इज अबाउट व्हाट रोल एसआई यूनिट्स हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, ठीक है। एसआई यूनिट्स ने क्या रोल प्ले किए? सो इट इज फर्स्टली कि ये इजी है, इजी टू यूज है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर है 1.6, और एसआई यूनिट्स को ही बताया गया। यूनिट से क्या होता है, एक कोई भी क्वांटिटी को मेजर करना बहुत इजी हो जाता है, और हमें एक एक्यूरेट मेजरमेंट मिलती है कि अगर कोई भी काम किया जा रहा है या कोई मास है, कुछ भी है, तो उसका स्पेसिफिक यूनिट क्या है, वो किलोग्राम्स में है, मीटर्स में है, या किस तरह से भी उसको कंसिडर किया जा रहा है, तो ठीक है, वो ईजी होता है यूज़ करने के लिए। नंबर टू, इनकी कैलकुलेशंस, मतलब इनकी एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन जो है या मल्टीप्लिकेशन, वो बहुत इजी हो जाती है क्योंकि हम इनमें साइंटिफिक नोटेशंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशंस जब यूज़ की जाती हैं, इट मींस हमारे पास पावर ऑफ 10 की पावर में कुछ ना कुछ आ रहा होता है, ठीक है। तो उनकी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन बहुत इजी हो जाती है। सो एसआई यूनिट का बेसिक पर्पस यही है कि वो बहुत इजी होते हैं यूज़ करने के लिए, एंड देन उनकी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन जो है वो इजी हो जाती है बिकॉज़ हमारे पास जो यूनिट्स आ रहे होते हैं समटाइम वो पावर ऑफ 10 के फॉर्म में होते हैं। तो ये था 1.6 का आंसर। नाउ आई एम गोइंग टू मूव टूवर्ड द 1.7, दैट इज व्हाट इज मीन बाय वर्नियर कांस्टेंट, ठीक है। वर्नियर कांस्टेंट एंड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, ठीक है, ये एक ही बात है क्योंकि ये हमें वर्नियर कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट इज बेसिकली द लीस्ट काउंट, ठीक है, ये लीस्ट काउंट है। और लीस्ट काउंट क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैन बी कैलकुलेटेड, जो वर्नियर कैलिपर से कैलकुलेट की जा सकती है एक स्मॉलेस्ट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड द वर्नियर कांस्टेंट, ठीक है। और वर्नियर कांस्टेंट का, सॉरी, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट, दैट इज स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल की वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजंस ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है। वर्नियर स्केल पे जितनी डिवीजंस होती हैं, दैट इज अबाउट 10 डिवीजंस, ठीक है, तो उसको हम लोग इस लीस्ट काउंट के इस फॉर्मूले से मेजर कर सकते हैं, और वो लीस्ट काउंट क्या होता है, वर्नियर कांस्टेंट, ठीक। तो वर्नियर कांस्टेंट इज अबाउट द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द वर्नियर कैलिपर। नाउ द 1.8 क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीरो एरर ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब हमने बताना है कि हम कहते हैं कि जीरो एरर होता है, जीरो एरर होता है, तो जीरो एरर क्या होते हैं? व्हेन जीरो ऑफ
मेन स्केल, ठीक है, किसी भी चीज़ का मेन स्केल हो सकते हैं, लाइक वो वर्नियर कैलिपर का, क्योंकि हमें यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया कि वर्नियर कैलिपर के बारे में बताने हैं या स्क्रू गेज के बारे में बताने हैं। जिस ढंग से एक वैसे क्वेश्चन किया गया है कि ज़ीरो एरर जो है वो क्या होता है, तो ज़ीरो एरर ये है कि व्हेन ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल डू नॉट को इनसाइड विद द डू नॉट को इनसाइड विद द ज़ीरो ऑफ ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर और वर्नियर स्केल, वर्नियर और सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो इस किस तरह से हमने इसको जो है अपने उसमें डिस्कस किया था अपने टॉपिक में कि ये मेन स्केल है, अगर और अगर हम वर्नियर को कर रहे हैं ये मेन स्केल का ज़ीरो है एंड देन ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो है। अगर यहाँ पे हमें कहा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ज़ीरो एरर, ज़ीरो एरर में यही होता है कि अगर मेन स्केल का ज़ीरो वर्नियर स्केल या सर्कुलर स्केल के ज़ीरो से कोइंसाइड ना करे देन उसको कहा जाता है वो ज़ीरो एरर है। और ज़ीरो एरर टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है, टू टाइप्स हैं इसकी। एक हमारे पास है पॉजिटिव ज़ीरो एरर, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है पॉजिटिव ज़ीरो एरर, एंड द नंबर टू इज नेगेटिव ज़ीरो एरर, ठीक है। एंड देन फर्दर उनकी ज़ीरो करेक्शन की जाती है ताकि हमारे पास एक एक्यूरेट रीडिंग आ जाए। तो हमारे पास ज़ीरो एरर क्या है कि व्हेन ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल डू नॉट कोइंसाइड विद द ज़ीरो ऑफ वर्नियर और द मेन स्केल ज़ीरो, ठीक है। एंड टू टाइप्स हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर एंड द नेगेटिव ज़ीरो एरर। दैट वॉज अबाउट 1.8 एंड द नेक्स्ट वन इज 1.9। Why is the use of zero error necessary in measuring instruments? ठीक है, zero error क्यों ज़रूरी है मेयर करना in measuring instruments में? तो इसका आंसर इस तरह से है, that is your 1.9, ठीक है। अगर आप zero error को calculate नहीं करेंगे तो आपकी जो observation है वो correct नहीं आएगी। आप zero correction must है, ठीक है, zero करेक्शन। ज़ीरो एरर क्यों मेयर किया जाता है? फॉर द ज़ीरो करेक्शन, इफ द ज़ीरो एरर इज नॉट मेयर्ड देन इट विल नॉट गिव अस द एग्जैक्ट और एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ज़ीरो एरर सबसे पहले कैलकुलेट किया जाता है क्योंकि हमें एक एग्जैक्ट और एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन लेनी होती है अपने फिजिक्स में, ठीक है। तो 1.9 में यही था कि ज़ीरो एरर जो है ऑब्जर्वेशन को करेक्ट करने के लिए लिया जाता है। सो द नेक्स्ट वन इज 1.10 या 1.10 एंड इट इज़ अबाउट दैट व्हाट इज स्टॉपवॉच, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉपवॉच यू हैव यूज्ड इन द लेबोरेटरी, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि लीस्ट काउंट क्या है स्टॉपवॉच का और स्टॉपवॉच एक्चुअली होती क्या है। 1.10, ठीक है, टू मेयर द स्मॉल टाइम इंटरवल, टू मेयर द स्मॉल टाइम इंटरवल। सो स्टॉपवॉच इज यूज टू मेयर द स्मॉल टाइम इंटरवल। इसके बगैर आप नहीं काउंट कर सकते कि अगर आप कोई भी ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं उसके कितने सेकेंड, समटाइम रीडिंग लेनी होती है अप टू 10 सेकेंड्स तक, 10 रीडिंग्स काउंट करनी होती है, तो हमें एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, दैट इज स्टॉप वॉच, एंड इट इज़ यूज टू मेयर द स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। देन हमसे पूछा गया है क्योंकि स्टॉप वॉच की टू टाइप्स हैं, वन इज मकैनिकल, ठीक है, नंबर टू इज डिजिटल। सो सेकेंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इज व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मकैनिकल वॉच दैट यू हैव यूज्ड इन योर लेबोरेटरी। सो इसके इसका लीस्ट काउंट जो है 1/10 होता है, ठीक है, इट मीन्स 0.1 सेकेंड्स जो है इसका लीस्ट काउंट है मकैनिकल वॉच का, और 0.1 सेकेंड वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम योर मकैनिकल स्टॉप वॉच। The next one is 1.11, that is why do we need to measure extremely small interval of time, कि हमें small interval of time क्यों calculate करना पड़ता है। So it answer is
क्वेश्चन नंबर 1.11। हम स्मॉल इंटरवल को क्यों कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि समटाइम हमें एक बहुत छोटी वैल्यू चाहिए होती है फॉर सम इंस्टेंट, ठीक है, हमें फौरी तौर पर एक स्मॉल वैल्यू चाहिए होती है कुछ वेरिएबल्स की जो कि चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या बन सकता है कि दैट इंटरवल ऑफ टाइम, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम आर यूज, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम is used to calculate instantaneous time for the change, for varying या changing, ठीक है, vary का मतलब भी वही होता है जो change कर रहे हो, for varying variable, ठीक है, एक variable अगर move कर रहा है, like अगर हम एक car का distance ले रहे हैं, that is point A and B, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जब वो मूव किया है तो ऑब्वियसली उसने कोई टाइम कवर किया है, ठीक है, कुछ सेकेंड्स कुछ मिनट, तो वो जो इंस्टेंट टाइम उसने कवर किया है बाय वेरिंग दैट वेरिएबल ऑफ द डिस्टेंस, दैट इज व्हाई वी नीड द स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम। द नंबर 12 इज, दैट इज 1.12 एंड इट इज अबाउट दैट व्हाट इज मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स वही हैं 1.12, ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट, एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स, नॉन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, फर्स्ट डाउटफुल digit, that is called the significant figure. And why we require this? Because we want the precise or accurate measurement of our observation, ठीक है। तो जितने भी accurately non-digits होते हैं, suppose example ही हम यहाँ पे consider कर लेते हैं 180.00, ठीक है, तो ये 180 जो accurately non-digit है and the first doubtful digit 0 is the significant figure. And the number last 1.13 is, how is precision related to significant figure in the measured quantity, ठीक है। तो हमने बताना है कि precision किस तरह से हम calculate कर सकते हैं कि अगर significant digit से कैसे हम precise और accurate measurement ले सकते हैं, ठीक है। 1.13, तो हम सबसे पहले तो देखें, अगर least count किसी भी चीज़ का सबसे कम हो तो हम कहते हैं ये सबसे एक्यूरेट जो है मेजरमेंट दे रहा है। लाइक लीस्ट काउंट अगर हम कंसीडर कर लें अपने डिजिटल वॉच का, ठीक है, 0.01, ठीक, सेकंड्स। अब मैकेनिकल में क्या था, 0.1 सेकंड, तो बेटर ज़्यादा कौन सी है, 0.01 सेकंड, जिसका लीस्ट काउंट जितना कम होता जाएगा इट मीन्स उसके प्रिसीजन उतनी ज़्यादा होती जाएगी, प्रिसीजन ज़्यादा, इट मीन्स जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं लाइक 180.00 ही आ जाए तो हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इंक्रीज कर जाएंगे। सो बाय कंसीडरिंग द लार्ज नंबर ऑफ लीस्ट काउंट वी गेट द प्रिसीजन एंड देन मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो जितना लीस्ट काउंट कम होता जाएगा प्रिसीजन उतनी ज़्यादा होगी और उतने ही हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। दैट वॉज योर क्वेश्चन आंसर्स।